ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। मैं मेदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूं और फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ मेदा जिगर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में और लिवर एंड गैस्ट्रो केयर शादमान में। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे मेदे में या पेट में गैस के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अक्सर लोगों को ये देखने में आता है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि ये गैस का मसला होता क्यों है और इसके साथ और क्या क्या अलामत आ सकती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मेदे में या आंत में जब ज़्यादा गैस भर जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि गैस का प्रॉब्लम है। इसमें ये होता है कि या तो पेट फूलना शुरू हो जाता है, इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को गैस ज़्यादा खारिज होने का भी इसमें अलामत अक्सर आती हैं। इसमें अब हम ये देखते हैं कि ये मसला किस वजह से होता है। इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमारी खाने पीने की आदत से रिलेटेड हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, बग़ैर चबाए खाना खाते हैं। उसमें ये होता है कि इस दौरान में कुछ एयर जो है वो भी हवा जो है वो निगल लेते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं खाना खाने के दौरान, वो भी उसमें भी ये होता है कि अंदर जो है वो एयर चली जाती है। इस तरह कुछ ऐसी खुराक है जिस तरह कुछ सब्जियां हैं, कुछ जिस तरह के गोभी है, आलू है, कुछ दालें हैं या लोबिया है, वो भी इस तरह के गैस जो है वो ज़्यादा उससे बनती है। कुछ लोग जो हैं उनमें फूड इंटॉलरेंस होती है, इन चीज़ों को वो उस तरह हज़म नहीं कर पाते हैं जैसा बाकी लोग करते हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये ज़्यादा मसला देखने में आता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है वो लोग भी आम तौर पे इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसका बायस बन सकती हैं, जिसमें कि सबसे जो कॉमन बीमारी है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि आंतों की हाइपर सेंसिटिविटी कहने होती है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ में इस तरह हो सकता है, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उन लोगों में गैस ज़्यादा बनती है। इसी तरह अगर कोई पेट का इन्फेक्शन है जिस तरह एच पाइलोरा इन्फेक्शन है, उसमें भी आमतौर पे समटाइम्स गैस है वो ज़्यादा बनती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से गैस ज़्यादा बन सकती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है पुरानी, उन लोगों में भी गैस का आमतौर पे बनना ज़्यादा होता है। गैस बनने के साथ साथ लोगों को डकार ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से जब ज़्यादा गैस बनती है तो पेट फूला फूला सा रहता है और हवा का इखराज भी समटाइम ज़्यादा होता है और उसमें दर्द की शिकायत भी अक्सर लोग करते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? गैस जब ज़्यादा बन रही है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स बेहतर करनी है। खाना आराम से चबा के खाना चाहिए, एक वक्त में ज़्यादा पेट भर के खाना खाने से गुरेज करना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम करके बंद कर देना चाहिए। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करके और डाइट करके उसको वज़न को कम करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बहुत बेहतर करती है, उससे ये अलामत आमतौर पे बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा जो समटाइम्स ये होता है कि प्रोबायोटिक्स जो है इसमें हेल्प आउट करते हैं, वो नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और जो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं और कम करते हैं। अगर तो इस मसाइल इस इन जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी हैं उसके साथ आप बेहतर नहीं होते, या जो इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि वज़न का कम हो जाना, परसिस्टेंटली डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहना, पखाने के साथ खून आना, बुखार का होना, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि वो ये देखें कि इसके साथ अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रहा है तो ताकि उसका उसकी तशखीस की जाए और उसका बर वक्त इलाज किया जाए। अगर आपको इन चीज़ों में से या मेदा जिगर आंत में से किसी भी चीज़ से कोई मसला है और आप उसके लिए इलाज करवाना चाहते हैं
तो आप ओला डॉग के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, क्लिनिक पे भी और ऑनलाइन भी। थैंक यू।